सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर तहरीके बेदारी की लीगल टीम की कोशिशों से तशद्दुद का शिकार होने वाली मसीही घरेलू मुलाजमा आसमा गुलफाम और उसके खावन गुलफाम मसीह की अबूरी जमानत हासिल कर ली गई है, जबकि तशद्दुद में मुलव्वस अफराद बशमूल पुलिस एहलकार एजाज अहमद ASI थाना सिविल लाइन के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए पटिशन दायर कर दी गई है, जिस पर नोटिस लेते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल जब्बार ने 31 मई तक पुलिस हकाम से जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन मसीही तहरीके बेदारी डॉक्टर आदिल गौरी की हदायत के मुताबिक मियाँ अनिल रफीक एडवोकेट, हाईकोर्ट शाहिद सुलहरिया एडवोकेट, आकाश भट्टी एडवोकेट और साबिर रंधावा एडवोकेट मुकदमा की पैरवी करेंगे।